कितनी बार बोला आपको सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो, पर आप करते ही नहीं हो। ये बहुत गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब वो बटन दबाइए सब्सक्राइब का, और अब वो बेल आइकन दबाइए, और अब आगे से यही करना, सब्सक्राइब और लाइक करना, और मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य रणजीत सिंह, और आपका मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिद्धि क्यों चली जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और जो हमारे साधकगण हैं, जो साधनाएँ किया करते हैं, जो तंत्र साधक हैं, उन्हें इस बात का नहीं जानकारी होती है। वो सिद्धियाँ तो प्राप्त कर लेते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि सिद्धि आखिर क्यों चली जाती है, इसके क्या मूल कारण हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, और आप इसको ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करिए जो आपके साधकगण हैं, ठीक है ना, आपके जो मित्र हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि साधना कोई व्यक्ति करता है, गुरु से दीक्षा लेता है, सारी चीज़ें करता है, फिर भी कहीं ना कहीं उसको नहीं पता, या उसकी सिद्धि जो है वो चली जाती है, वो जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। तो इसके दो मुख्य कारण या तीन मुख्य कारण बताए गए हैं। सबसे प्रथम जो कि है कि आप किसी गर्भवती महिला से आप मिले, या उनके साथ ज़्यादा समय गुजारें, या जब क्या कहते हैं गोद भराई होती है उस समय पर आप जाएं, तो ये सबसे बुरी बात होती है, सबसे खतरे की बात होती है, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो साधक है, जो साधनाएं कर रहे हैं, जिसने सिद्धि हासिल करी है। क्योंकि होता क्या है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो माँ उस समय पर अपने बच्चे को दे रही होती है, और आप अगर उस माँ के पास में रहेंगे तो वो शक्ति आपके द्वारा उस बच्चे के अंदर चली जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि जब छोटा सा बच्चा, 1.5 साल तक के बच्चे जो होते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा प्यार करेंगे, आप उनसे ज़्यादा लगाव करेंगे, अगर वो आपका बेटा नहीं है, आपके रिश्तेदारी में नहीं है, अगर थोड़ा दूर की रिश्तेदारी में है, या फिर आप किसी ऐसे जगह पे आप जा रहे हैं जहाँ पे ऐसे बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वो आपकी खींच ले वो शक्ति। क्योंकि दो चीज़ें जो छोटे बालक होते हैं वो तुरंत खींचते हैं, वो दो चीज़ों का नाम है, एक तो हीरे की शक्ति। अगर आप हीरा, जो असली हीरा होता है, वो अगर किसी बच्चे के पास ले जाएंगे, 1-1.5 साल के बच्चे के पास, तो उसकी शक्ति उस बच्चे के अंदर चली जाएगी, और एक सिद्धि। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर किसी भी बच्चे के पास ले जाई जाएं तो वो अपनी अंदर ये सोख लेता है इसकी शक्ति। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और कई जो नियम होते हैं, जो साधनाएं के, जो साधनाओं के, जो सिद्धियों के नियम होते हैं, जिससे सिद्धि चली जाती है, वो गुरु अपने आप बता देते हैं, वो साधक सब जानते हैं। पर ये जो ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं जानता, ये ऐसी बातें हैं जो लोग कर ना नहीं समझ पाते अज्ञानतावश, पर अब आपको समझ लेना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, आप ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको देखना ही नहीं है गर्भवती महिला को, पास में नहीं रहना। आप ऐसा कीजिए कि आप दूरी बना के रखिए, ज़्यादा समय मत बिताइए, और अगर जितना आप ज़्यादा आराम से रहेंगे, जितना आप ध्यान में रहेंगे, उतना बढ़िया है। क्योंकि ये चीज़ें पूरी ज़िंदगी लागू होने वाली हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए। खास करके जगह अगर आप साधना कर रहे हो तो आपका फल किसी भी तरह चोरी हो जाएगा। अगर आप मान लो, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि साधना का जो जाप है वो चोरी कैसे होता है। वो चोरी ऐसे होता है कि आप चोरी करवाते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने पास में जल पात्र नहीं रखते हो, तो सबसे बड़ी चोरी तो यही होगी कि वो चीज़ आएगी, आपका ले जाएगी, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, आप उसको, किसी भी व्यक्ति को अपने आसन पर बैठने दे रहे हो तो आपकी शक्ति निष्फल हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ख़त्म। तीसरी चीज़ कि आप कुछ इस प्रकार से करते हो साधना कि दूसरे आते हैं और आपका सामग्री से ही अपनी साधना शुरू कर देते हैं, तो ये भी चीज़ें गलत हैं।
तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, ढंग से नहीं करोगे, तो सिद्धि तो आपको कोई फायदा ही नहीं है। सिद्धि चीज ऐसी है जिसको कहते हैं कि गल जाना, भक्ति में परमात्मा की जो कृपा है उसमें रम जाना, उसे सिद्धि कहते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।